नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे समाजवादी पार्टी के माफिया प्रेम की। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर माफिया मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने वाले पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय जो लखनऊ में स्थित है उसके बाहर मुख्तार के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर में इस बात का जिक्र किया गया है कि पूरा परिवार समाजवादी पार्टी का मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ खड़ा है। और इस पोस्टर के बाद अब प्रदेश की राजनीति में बड़े सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस पोस्टर में आपको अखिलेश यादव भी नजर आ रहे होंगे, इस पोस्टर में आपको आजम खान भी नजर आ रहे हैं। और मुख्तार अंसारी, जो सबसे बड़ा साइज इस पोस्टर में फोटो का है, वो माफिया मुख्तार अंसारी का है। धर्मेंद्र यादव मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। खबर यह है कि अखिलेश यादव भी मुख्तार अंसारी के परिवार से आने वाले एक से दो दिन में मिलने वाले हैं। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा ये पोस्टर, जो ये बताता है कि क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर इन माफियाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। एक तरफ जहां प्रदेश भर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है कि इस माफिया गिरी पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके, लगातार माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई, लेकिन समाजवादी पार्टी का माफिया प्रेम कैसे इस पोस्टर के जरिए छलक कर बाहर आ रहा है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दो तस्वीरें जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे कि अखिलेश यादव भी गाजीपुर जाएंगे, मुख्तार अंसारी के परिवार से अखिलेश यादव मुलाकात करने वाले हैं। क्या यह मुलाकात सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करके एक विशेष वर्ग के वोटरों को साधने की कवायद है, या फिर इसे सिर्फ और सिर्फ महज माफिया प्रेम कहा जाएगा? बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर हुआ हमला, हमले में एनआईए के दो अफसर हुए जख्मी। भूपत नगर इलाके में एक आरोपी को पकड़ने गई थी टीम, एनआईए टीम पर पथराव और गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। दिल्ली में कई इलाकों में चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर सीबीआई की छापेमारी, रेड के दौरान दो नवजात का रेस्क्यू, महिला समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी, हाईवे और निगम ठेकेदार की आवास पर की गई रेड। नोएडा पुलिस ने अल्पेश यादव के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, स्नेक वेनम की पुष्टि वाली रिपोर्ट और 24 गवाहों के बयान भी चार्जशीट में दर्ज। मामले में पांच सपेरे समेत आठ लोग हुए थे गिरफ्तार। रिपब्लिक भारत से बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा सनातन विरोधियों से मेरा मुकाबला, ना मैं फायर ना ही फायर ब्रांड, देश मोदी के नाम पर लड़ रहा चुनाव। हम मुकाबला मान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बेगूसराय की जनता नरेंद्र मोदी से उम्मीद है। आज मैंने कहा 40 सीट पर नरेंद्र मोदी ही लड़ रहे हैं। गिरिराज सिंह का परिवारवादियों पर हमला, कहा लालू जो चाहेंगे वही पप्पू के साथ होगा, विपक्ष अपने बच्चों को सेट करने में लगा है। आप मंत्री आतिशी का ईडी पर बड़ा हमला, कहा 16 दिन में ईडी ने कितनी रेड डाली, ईडी को कितना मनी ट्रेल मिला। पिछले 16 दिन में ईडी ने कितने समन किए, ईडी ने कितने रेड किए, ईडी ने कितनी गिरफ्तारियां करी, स्वागत किया जा रहा है। और इसका जवाब ये है कि ईडी ने कुछ नहीं किया। बंगलुरु में व्यापारियों से बातचीत, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति खराब है और दिल्ली में लगते हैं गले, केरल में मांगते हैं भी, कर्नाटक में करते हैं ठगी। समारोह में स्मृति ईरानी बोली, कहा गांधी परिवार ने तस्वीरें खिंचवाकर और मुस्कुराकर देश को लूटा, वोट डालना एक जिम्मेदारी। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी के साथ हुई मारपीट, मोदी योगी की तारीफ करने को लेकर भीड़ ने पीटा।
धार्मिक स्थल के अंदर पिटाई की कोशिश की गई। पुलिस ने आरोपी अयूब को लिया हिरासत में। अयूब समेत चार लोगों पर शांति भंग की दर्ज FIR। अमरोहा से कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली का अपनों ने विरोध किया। गाड़ी का घेराव कर जमकर हंगामा किया। लोगों ने लगाया बाहरी होने का आरोप। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़। दूर दराज से दर्शन के लिए आ रहे लोग, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तेलंगाना के हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने पार्टी कार्यालय पर फहराया झंडा। कार्यक्रम में कई बीजेपी नेता शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा सख्त। पुलिस ने लगाए CCTV कैमरे। आने जाने वालों पर रखी जा रही पैनी निगाह। मध्य प्रदेश के सिवनी में पुलिस बस और कार के बीच भीषण टक्कर हुई। हादसे में 3 की मौत, कई घायल। उत्तर प्रदेश के नोएडा में दिखाई दिया आग का तांडव। अनाथालय में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के झांसी में सड़क किनारे कई दुकानों में लगी भीषण आग। इलाके में हड़कंप मचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश हुआ जख्मी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के गोरखपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध स्टाम्प्स को प्रयोग कर धोखाधड़ी करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान आया भूकंप। भूकंप आने के बाद मची अफरा तफरी। न्यूयॉर्क सिटी में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके 4.8 मापी गई। भूकंप की तीव्रता अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने कोई नुकसान की पुष्टि नहीं की। इजरायली सेना ने लेबनान में कार्रवाई का वीडियो किया जारी। वीडियो में हिजबुल्ला के कई ठिकानों को किया गया ध्वस्त। और ये तस्वीरें सामने आ रही है बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर आज बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जहां 1980 में बीजेपी की स्थापना की गई थी। और ये तस्वीरें स्थापना दिवस के दौरान जब ये बीजेपी का झंडा लहराया जा रहा है, जिस पर कमल का चिन्ह है, और बीजेपी मुख्यालय से तस्वीर जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा यहां पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जो बीजेपी का ये झंडा फहरा रहे हैं पार्टी हेडक्वार्टर पर, कुछ इस तरह से स्थापना दिवस पर जश्न का माहौल है। गुब्बारों से सजाया गया है पूरा परिसर। और जहां एक तरफ बीजेपी चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें स्थापना दिवस के जश्न की। तो यहां पर एक तरफ जीत की गारंटी दी जा रही है, तो दूसरी तरफ ध्वजारोहण किया जा रहा है। पार्टी मुख्यालय से गई तस्वीरें। बिल्कुल, तो 6 अप्रैल 1980 को बनी बीजेपी, जो आज अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी लोकसभा की 2 सीटों से शुरुआत की थी इस पार्टी ने, लेकिन आज 12 राज्यों में अपने दम पर सरकार में है। 4 राज्यों में बीजेपी गठबंधन सरकार में है। और एक वक्त था जब बीजेपी को चुनावों में महज 2 ही सीटें हासिल हुई थी। और आज बुलंदियों पर बीजेपी का सूरज, अब की बार 400 पार का नारा भी लगातार गूंज रहा है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर, स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सब के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को आज के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, उनको साधुवाद भी देता हूं। और इस शुभकामना के साथ हम आगे 2024 के चुनाव के लिए संकल्प और आह्वान भी उनको करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंची है, उस यात्रा में 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई। और उनके तप के कारण, उनके योगदान के कारण, उनकी तपस्या के कारण, जो उन्होंने
वैचारिक अधिष्ठान के लिए खून पसीना एक किया, उस कारण से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। सियासत के सूरमा सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विदिशा सीट से इस बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। लोगों के दिलों में बसने वाले मामा की आखिर क्या है चुनावी रणनीति, देखिए हमारा खास कार्यक्रम नेताजी के साथ। देश में जारी 24 की चुनावी जंग पर सियासी रंग चढ़ने लगा है और इस रंग में राजनीतिक रणबांकुरे भी रंगे नजर आने लगे हैं। जब देश का रंग सियासी और मूड चुनावी हो तो नेताओं की नैया भी खिवैया जनता के आसपास ही नजर आती है। बदलती चुनावी चर्चा पर राजनेताओं की दिनचर्या भी बदली बदली सी नजर आ रही है, मगर ये बदलाव बहनों के भैया और बच्चों के मामा के लिए नया नहीं है। पौधारोपण पर पांव पांव वाले भैया यूं ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव का जो प्रचार है चरम पर है। लाल देखे शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने स्मार्ट पार्क में पौधारोपण कर अपने प्रचार की शुरुआत की। यहाँ पर वो जो तमाम वर्ग से आए लोग हैं इनके साथ प्लांटेशन कर रहे हैं और प्लांटेशन के बाद वो आस्टा और कन्नौज दो जगह पर प्रचार प्रसार करेंगे। प्रदेश के मामा और बीजेपी के प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान इस बार विदिशा से मैदान में है, लेकिन विदिशा में पहुंचने से पहले ही उनका जगह जगह गर्मजोशी से स्वागत।